आज हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मल्टी ब्रांच का, बट आज हम इसके अंदर पहले एसक्यूएल के बारे में सीखेंगे। एसक्यूएल क्या है, कैसे यूज होता है और क्या पर्पस है एसक्यूएल का। सबसे पहले एसक्यूएल के बारे में जानना है कि एसक्यूएल होता क्या। आपने जितनी भी कंपनी बीजी के अंदर आज तक बनाई है, क्या आपको पता है बीजी का डाटा कैसे हैंडल होता है? आप तो आते हो, कंपनी बनाते हो, काम स्टार्ट करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो और डेली बेसिस पर काम करते हो। बीजी और टैली और कोई भी सॉफ्टवेयर का डाटा लोग कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे बैकएंड में छुपा के रखते हैं जो आप लोगों को ना दें? क्या काम होता है इनके पीछे, क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहली चीज तो आपको सीखनी है, हर सॉफ्टवेयर के दो पहलू होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है बैक। हर कोई आपको फ्रंट दिखाता है, बैक नहीं दिखाता। क्यों? कहता है आप यहाँ नाम पुटअप कर दो, आप नाम पुटअप कर दो। आप कहता है एड्रेस पुटअप कर दो, आप एड्रेस पुटअप कर दो। लेकिन आपको नहीं पता कि यहाँ जो नाम पुटअप होता है वो किस जगह जाके स्टोर होगा। जस्ट लाइक आपको इस कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये कंपनी ओन है, जिसमें कंपनी बनी है दिल्ली हेड ऑफिस के नाम से, ठीक है। कंपनी चल रही है, आपको कुछ नहीं पता आपका डाटा कहाँ जा रहा है। आप आते हो डेली बेसिस पर, कंपनी बनाते हो और चले जाते हो। ये आपको हर सॉफ्टवेयर वाले आपको फ्रेंड दिखाते हैं, ये आपका फ्रेंड है काम करते रहिए। आपको यहाँ नाम टाइप करना है, आप नाम टाइप करते हो आगे चले जाते हो, आप एड्रेस टाइप करते हो सेव करते हो चले जाते हो। क्यों? कोई आपको बैकहेंड नहीं दिखाता आपको। मैं आज ये चीज बता रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं ना, वो पीछे टेबल के अंदर स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है, स्टोर होता है, डेली बेसिस पर स्टोर होता है। 10 एंट्री गई, 10 डाटा स्टोर होता है। जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो ना, वो क्यों टाइम लेता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्यों मिनट चलते हैं? वो पीछे की रिपोर्ट उठाता है और आपके सामने डिस्प्ले करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर करता है, क्या करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर। सर इस बात आपने बोली तो इस बात के लिए क्वेश्चन मेरे लिए आ गया कि सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसका डाटा लाखों की एंट्रियां एक दिन में हो रही हैं, मतलब लाख एंट्रियां एक दिन में हो रही हैं, वो डाटा को कैसे हैंडल करता है, कैसे डाटा मैनेज होता है? सबसे पहले डाटा स्मॉल, जब स्मॉल कंपनी की बात आती है, छोटी छोटी कंपनियों की बात आती है जिनका टर्नओवर 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक का है, वो अपने डाटा को कौन से मोड पर सेव करते हैं? एक्सेस मोड पर सेव करते हैं। कौन से मोड पर सेव करते हैं? एक्सेस मोड। ये लिखा हुआ भी डाटा बेस टाइप, क्या लिखा हुआ? एक्सेस मोड। ये डाटा बेस को स्टोर करके रखता है। जो भी आप यहाँ एक बटन टाइप करते हैं इस कंपनी के अंदर दिल्ली हेड ऑफिस कहाँ पर, ई ड्राइव फैज के अंदर, तो मैं ई ड्राइव जाता हूँ, यहाँ से फैज नाम की कंपनी को ऑन, फोल्डर को ऑन करता हूँ, इसके अंदर कंपनी नंबर 8, ये जो कंपनी है ना, ये जो बनी है आपकी डीबी, वो आगे लिखा है BDS, ये इसके अंदर, ये जो डीबी होती है इसके अंदर पार्टियां बनती है, जो दो भी ट्रांजेक्शन होती है सब डीबी 2018 है ना, इसके अंदर होती है। अगर आपको पार्टी की इंफॉर्मेशन या कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके आएंगे, इसको सबसे पहले चेंज कर दें किस नाम से, MDB फॉर्मेट में। जैसे MDB फॉर्मेट में चेंज करेंगे एक्सेस फॉर्मेट में ऑन होगा। कौन से फॉर्मेट में होगा? एक्सेस, देखो लिखा हुआ है। और इसका पासवर्ड होता है आई लव माई इंडिया। क्या पासवर्ड होता है इसका? आई लव माई। इस पासवर्ड को हमें कॉपी करना होता है और इस पासवर्ड को हम जैसे ही आप पेस्ट करते हैं और जैसे इसको ओके करके इंटर मारते हैं तो कंपनी का डाटाबेस ऑन हो जाता है। क्या होता है? कंपनी का डाटाबेस ऑन हो जाता है। इसमें देखो पहली कंपनी की टेबल क्या है, कंपनी टेबल, जिसमें आपने कंपनी का नाम क्या रखा था, दिल्ली। इस पर जैसे क्लिक कर दो, इस पर आपको कंपनी का नाम क्या मिलता है, डाटा इम्पोर्ट हो गया एरी डीबी। इस पर आ जाओ डायरेक्टरी एरी, ठीक है। ग्रुप यहाँ पर डिफाइंड है, स्टेचुरी रिपोर्ट यहाँ पर डिफाइंड है, मैसेज सेंटर यहाँ पर है, नेम कैटेगरी यहाँ पर है, ऑफलाइन मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। पैच टेबल यहाँ डली हुई है, प्रिंटर रिपोर्ट यहाँ डली हुई है, स्क्रीन रिपोर्ट यहाँ डली हुई है, एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर है। ये सब टेबलें तो बनी हुई हैं जो आपके डाटा को स्टोर कर, क्लियर है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होती है फ्रंट एप्लीकेशन, एक होती है बैकएंड एप्लीकेशन। जो आपको हमेशा दिखती है आगे आके वो आपकी फ्रंट एप्लीकेशन है। आप व्हाट्सएप यूज़ करते वो आपकी फ्रंट एप्लीकेशन है, आप ऐप भी यूज़ करते वो फ्रंट एप्लीकेशन। बैकएंड कोई आपको शो नहीं कराता, बैकएंड किन के लिए होती है? प्रोग्रामरों के लिए होती है जो कोडिंग को डेवलप करते।
लेकिन हमें ये चीजों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हमें नहीं पता होंगी तो हम लोग खाली डेली बेसिस पर काम करेंगे और चले जाएंगे, ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो हमारा काम क्या है, हमें इन चीजों को जानना भी, ठीक है? हो गया। अब देखो जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो मैसेज आएगा, आप यस कर दो, क्लियर, ये आपकी कंपनी शो होगी। तो सर इसके नीचे जब आप आए डाटाबेस के अंदर तो यहाँ एक लिखा एक्सेस। एक्सेस मतलब जब छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनका टर्नओवर कम होता है वो क्या लेते हैं, हमेशा डाटा उनका एक्सेस मोड पर होता है। कौन से मोड पर होता है? एक्सेस मोड पर। छोटे छोटे बिजनेसमैन बीजी में, छोटे बिजनेसमैन काम कर रहे हैं एक्सेस, लेकिन जहां बीजी के अंदर कंपनियां लेती हैं सॉफ्टवेयर वो बीजी को एक्सेस मोड पर नहीं लेती। बीजी का डाटा जिस दिन आपका 500 MB से ज्यादा हो गया किसी कंपनी का, बीजी की सेल परचेस ऐसे लिस्ट निकलेगी बहुत स्लो स्लो, बहुत आराम आराम से। लेकिन अगर डाटाबेस कौन सा हो, एक्सेस एसक्यूएल हो, तो रिपोर्ट ना ऐसे नहीं घूमेगी, बस ऑन हुई डिस्प्ले, जैसा एक नेट की स्पीड हो आपकी। क्लियर? एक्सेस समझ में आ गया, छोटे के लिए होता है। लेकिन देखो जैसे ही मैं एसक्यूएल पर क्लिक करूंगा आप देखना कुछ चीजें गायब हो जाएंगी। जैसे ही मैंने एसक्यूएल पर क्लिक करा यूजर्स गायब हो गए, जैसे ही मैंने क्लिक करा बेसिक डिसेबल हो गया। देखो बेसिक करूंगा तो एसक्यूएल गायब हो जाएगा क्योंकि बेसिक के अंदर एसक्यूएल फीचर अवेलेबल नहीं। क्लियर है? वो खाली इंटरप्राइज वर्जन और स्टैंडर्ड के लिए है। सर अब आप एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं तो एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। सबसे पहले एसक्यूएल एक बैकएंड एप्लीकेशन है। एसक्यूएल क्या है? बैकएंड एप्लीकेशन है जिसका मेन पर्पस डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा को जो स्टोर करने के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? एसक्यूएल को पहली बार 1989 के अंदर डेवलप किया गया। इसकी कई सारी लैंग्वेजें आई थी बट हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, हमें बस याद रखना ये इस दिन डेवलप हुआ था। और ये एक बैकएंड एप्लीकेशन है क्योंकि जैसे आपने भी सीखा हर एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एप्लीकेशन एंड बैकएंड एप्लीकेशन। ये कौन सी एप्लीकेशन होती है? बैकएंड एप्लीकेशन। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है RDBMS। क्या लिखा हुआ है? RDBMS, रिलेशन, मैं इसकी फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, रिलेशन बेस, अभी बता दें, RDBMS फुल फॉर्म आती है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसकी रिपोर्ट होती है, एक्चुअली एक डाटाबेस टाइप है। अभी आप इसके बारे में बस ये सोच लो एक डाटाबेस होता है RDBMS। आ जाइए इसके जैसे ही आओगे एसक्यूएल, जैसे मैंने बताया कि हर एप्लीकेशन के दो पहलू होते हैं, एक होती है आपकी फ्रंट एप्लीकेशन, एक होती है आपकी बैकएंड एप्लीकेशन। जो आपको हमेशा दिखती है वो आपकी फ्रंट एप्लीकेशन होती है और जो बैकएंड में छुपी होती है जो डाटा को कैप्चर करती है वो आपकी बैकएंड एप्लीकेशन होती है। क्या होती है? आपकी बैकएंड एप्लीकेशन। आप कुछ भी कर रहे हैं व्हाट्सएप आपका डाटा कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा है, चाहे व्हाट्सएप वालों के पास यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एसक्यूएल क्या है? एक एसक्यूएल बैकएंड एप्लीकेशन जिसका मेन पर्पस डाटा को स्टोर के लिए किया जाता है। आ जाइए, ठीक है। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो हमेशा एसक्यूएल आपके सामने जरूर होगा। एसक्यूएल हो या कोई भी डाटाबेस हो जो डाटा को स्टोर करता हो, यहाँ पर लिखा भी है इसको किस लिए पर्पस बनाया गया है, डाटा को स्टोरेज की पर्पस के लिए बनाया गया। क्लियर है? समझ में आ गया एसक्यूएल का मीनिंग, बट ये छोटा मीनिंग है। अभी मैं इसके बारे में और डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट सेशन में।